नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी आज गुजरात टाइटंस की तरफ से हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर की तूफानी बल्लेबाजी देखकर खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए अब आपको बताते हैं हार्दिक और डेविड मिलर की आज तूफानी बल्लेबाजी के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताए कि आज गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के बीच आईपीएल 2022 का 67वां मुकाबला खेला गया, जहां आज के इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और उनका पहले बल्लेबाजी करने का फैसला शुरुआती कुछ ओवर में तो उनकी टीम के लिए काफी गलत साबित हुआ। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि जब मैदान पर शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा उतरे थे तो यहां पर पहला बड़ा झटका गुजरात टाइटंस की टीम को शुभमन गिल के रूप में लगा, जो कि जॉस हेजलवुड की गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट हुए और गिल ने आज 4 गेंदों में मात्र 1 रन की ही पारी खेली। तो वहीं तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर यह पहला विकेट गिर जाने के बाद गुजरात की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी, क्योंकि यहां पर अगला बड़ा झटका मैथ्यू वेड के रूप में टीम को लगा, क्योंकि यहां पर मैथ्यू वेड मात्र 13 गेंदों में 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हालांकि दोस्तों, मैथ्यू वेड को लग रहा था कि वो आउट नहीं है और इस दौरान वो काफी ज्यादा गुस्सा भी दिखाई दिए, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, उन्हें आउट थर्ड एम्पायर ने दिया। तो वहीं फिर तीसरा बड़ा झटका गुजरात की टीम को रिद्धिमान साहा के रूप में लग गया, जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और 22 गेंदों में 31 रन बना भी चुके थे, लेकिन यहां पर 62 रन के कुल स्कोर पर 3 विकेट गुजरात टाइटंस की टीम के गिर गए। तो वहीं दोस्तों, फिर मैदान पर तूफान हम सभी को देखने के लिए मिला हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर का, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आज गुजरात की टीम की पारी को संभाला और एक छोर से बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को उच्च लेवल तक लेकर गए। तो वहीं दोस्तों, आज हार्दिक पांड्या जहां 30 गेंदों में ही अर्धशतक पूरा करने की रेस में पहुंच चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ डेविड मिलर 16 गेंदों में ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर 30 रन ठोक चुके हैं खबर बोले जाने तक। बाकी आप सभी इनका लाइव स्कोर कार्ड भी देख सकते हो कि अभी कौन कितने रनों पर खेला है और कौन आउट हो चुका है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है आज का ये मुकाबला देखने के बाद, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।